पहले फर्स्ट वाले मंदिर में चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जाने वाले हैं डिब्रूगढ़, एंड आप लोगों के साथ मैं आप शेयर करूंगी कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली आज हम लोग जाने वाले हैं, शायद हम लोग जाने वाले हैं जगन्नाथ टेम्पल। यस हाँ, चल रही हूँ। और कह रहा है जल्दीबाजी मचा रही है, और यहाँ इतनी बारिश होती है ना रात को, मतलब कभी भी बारिश हो जाती है, और जैसे ही बारिश होती है वैसे ही इतनी ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। और कभी भी ऐसा कुछ भरोसा नहीं, और कभी भी मस्त वाली धूप निकल जाती है, मतलब कोई भी कुछ नहीं कह सकते कि मौसम कब कैसा होगा। तो फिलहाल तो हमने जैकेट वैकेट ले लिया है, वैसे तो इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है आज दिन में, लेकिन कोई भरोसा नहीं है बारिश होगी तो। और यहाँ पे ना ऐसा रूल्स है कि ना सबके सब ना, मतलब दोनों बाइक पर बैठने वाले हो जो भी हो ना बैठता है, सब हेलमेट लगाते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है ये हेलमेट मेरे सिर में फिट भी नहीं आ रहा है ठीक से, बार बार मेरी आंखें ढक जा रही है। एंड कायरा सो गई है, तो हम लोग पेट्रोल भरवा लेते हैं फिर पहुंचेंगे। अभी रास्ते में है, फिर पहुंचेंगे हम जगन्नाथ टेम्पल। प्रसाद कितने कितने का है? अच्छा, एक दिया दे दीजिए। हम यहाँ पहुँच गए जगन्नाथ टेम्पल पे। कितना दिया लगता है? अच्छा, अलग अलग ठीक है, दे दीजिए। नहीं, एक काम करिए, पाँच ही दीजिए, पाँच में दिया दे दीजिए प्रसाद। सुंदर है एकदम, ऐसा लग ही नहीं रहा ना कि यहाँ पे कितना ज्यादा सुंदर है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे जगन्नाथपुरी में आ गए हो। हाँ चलो चलते हैं, पहले फर्स्ट वाले मंदिर में चलते हैं। Thank you.
भोग लगाना है और शिव जी के मंदिर में पहले दिया जलाएंगे, उसके बाद जाएंगे। किधर चले गए पंडित जी? अरे कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं पंडित जी, उधर गए थे। यहाँ पे ना 9 जितने मंदिर है, एंड ये जो मंदिर है ना, ये जगन्नाथ जी का सबसे मेन मंदिर है, ये सबसे बड़ा और पूरा का पूरा मंदिर इतना भव्य है, इतना बड़ा है। बाकी के 9 मंदिर भी यहाँ चारों तरफ ना साइड साइड में बनाए गए हैं, और पूरे पूरा का पूरा एटमोसफेयर इतना बढ़िया है, चारों तरफ टी गार्डन ही है एंड यहाँ पे, और ये मंदिर सब चीज़ों के बीच में है। सब लोगों ने दर्शन वर्शन कर लिए हैं एंड अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। चलो, हाँ देख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे शादी वादी भी होती है, जब हमारी शादी हुई थी ना, हम उसके 2 दिन बाद यहाँ पे आए थे, आज इतने सालों बाद आ रहे हैं कायरा को लेके। चलो कायरा, अब चलेंगे घर। और ये देखो गाइस, ये बीच में एकदम सेंटर में है बड़ा वाला मंदिर। जो पुरी में जो टेंपल है ना जगन्नाथ जी का, वहाँ तो मैं गई नहीं हूँ, लेकिन सब लोग यही ये जो मंदिर है ना, वो पूरा उसका ही कॉपी बनाया गया है, एकदम वैसा ही सेम टू सेम बनाया है, और बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर। 12 बज गए हैं तो अब ये मंदिर बंद होने वाला है, मतलब 12 बजे तक चालू रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। बांस के घर ऐसे होते हैं एकदम जोरदार, पूरा उन्होंने बांस का बना हुआ है। और जो को ना मिट्टी गोबर से अच्छे से लीप के बनाया जाता है यहाँ पे घर, काफी अच्छे अच्छे बांस के घर है, मतलब आजकल तो शहरों में भी काफी ट्रेंड में कर रहे हैं बांस की चीजें। नहीं जाती है।